पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड सवात, सर्दियों में जो सवात ना गया वो जिमिया ही नहीं, जिमिया सर्दी से ठिठरने के मायनों में भी और ज़िंदा होने से मुतालिक भी। इसीलिए आज हम आपको वादिय सवात की सैर कराते हैं, जो 52 बरस पहले तक एक रियासत थी और अब खैबर पख्तूनख्वा के हसीन तरीन अजला में से एक है। हम कराची से हवाई जहाज़ के ज़रिए इस्लामाबाद पहुँचे थे और फिर पिंडी के रास्ते सवात पहुँचे हैं। आओ ज़रा आसमान की सैर करें, हिम्मत करो बेटा, कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा दिल थामो, हौसला करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, मौला का करम साथ रहेगा। लगता है इनका दिल खुश हो गया है। पूरी वादिय सवात का सैकड़ों मीटर बुलंदी से नज़ारा जो किया जा रहा है। और यहाँ ऐसी हसीन झील, ये तो वाकई जन्नत से कम नहीं है। ओ भाई, वापस भी आना है? ये आसमान में ही टंगे रहोगे? आ जाओ आराम से ज़मीन पर पैर रखो, कुछ नहीं होगा। ये लोग बहुत महारत से पैरासेलिंग कराते हैं। ज़रा मैं भी ये नज़ारा करके देख ही लूँ, आखिर पता तो चले कि जो वादी ज़मीन से इस कदर हसीन नज़र आती है वो आसमान से कितनी दिलकश नज़र आती होगी। ओह मेरे मालिक, ये तो वाकई कुदरत का बेहतरीन नज़ारा है। कराची से सवात आने के पैसे पूरे हो गए। ये तो तसव्वुर भी नहीं किया था कि अपने ही मुल्क पाकिस्तान में कोई इतना एंजॉय भी कर सकता है। ये तो वाकई पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। अगली वीडियो में हम आपको सवात में बोटिंग का नज़ारा कराएंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। रुबीना ज़फ़र, प्रिज़्म न्यूज़, सवात।